और बड़ी खबर इस वक्त की, गाजियाबाद में सीबीआई कोर्ट में बाबू सिंह कुशवाहा ने मुख्यमंत्री मायावती पर आरोप लगाए। कुशवाहा ने कहा मायावती लेती थी बड़े फैसले। एनआरएचएम घोटाले में कुशवाहा की आज गिरफ्तारी हुई और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी हुई। सीबीआई ने कुशवाहा को 14 दिन की रिमांड पर मांगा है। एनआरएचएम घोटाले के आरोपी है कुशवाहा, सीबीआई ने कुशवाहा की 14 दिन की रिमांड भी मांगी है। चुनाव खत्म होते ही कुशवाहा पर गिरी गिरफ्तारी की गाज। यूपी के एनआरएचएम घोटाले में आज सीबीआई ने यूपी के पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा को गिरफ्तार कर लिया है। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने कुशवाहा को एनआरएचएम घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया था। कुशवाहा करीब 9 बजे सीबीआई दफ्तर पहुंचे थे, तभी से उनसे पूछताछ की जा रही थी। सीबीआई ने उनके परिवार कल्याण मंत्री रहते हुए एक निजी कंपनी को दिए जाने पर सवाल पूछा था, लेकिन कुशवाहा सीबीआई के सवाल का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद सीबीआई से साफ साफ कह दिया कि आपको कानूनी तौर पर गिरफ्तार किया जाता है। इसके साथ ही सीबीआई ने बीएसपी विधायक राम प्रसाद जायसवाल को भी गिरफ्तार किया। इन दोनों को गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट में पेश किया गया। गिरफ्तारी के साथ ही सियासी बयानबाजी तेज हो गई। कानून अपना काम कर रहा है और उनकी गिरफ्तारी सियासी गिरफ्तारी नहीं है, उनकी गिरफ्तारी भ्रष्टाचार को लेकर गिरफ्तारी है। बीजेपी ने केंद्र पर सीबीआई के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। एनआरएचएम घोटाले में अभी और भी गिरफ्तारियां हो सकती है। संजय शाह, इंडिया टीवी, गाजियाबाद।